हनुमानगढ़ सर्च डेयरी ने आय बढ़ाने के लिए किया नवाचार। 600 केवी के सोलर प्लांट से बनेगी रोज 2800 यूनिट बिजली। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ हनुमानगढ़ द्वारा नव वर्ष पर आय बढ़ाने के लिए 600 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। इससे प्रतिदिन औसत 2800 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। सोलर प्लांट से डेयरी को लगभग 5 लाख रुपये प्रति माह का शुद्ध लाभ होगा। सर्च डेयरी के MD PK गोयल के अनुसार डेयरी प्रबंधक की ओर से एक निजी कंपनी के साथ 25 वर्ष के लिए एग्रीमेंट किया गया है। 600 किलोवाट का खुद का प्लांट लगाने पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। इस प्लांट से उत्पन्न बिजली कंपनी द्वारा डेयरी को 3.95 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। गर्मी सर्दी के मौसम में सोलर से मिलने वाली औसत बिजली से डेयरी को हर माह लगभग 5 लाख रुपए की बचत होगी। डेयरी प्रबंधक के कुशल नेतृत्व के कारण कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के तहत 25 वर्ष तक इसी दर पर बिजली मिलेगी, जो बहुत बड़ी बात है। अब डेयरी के लिए नोहर, गढ़साना, पदमपुर, सुरतगढ़ स्थित केंद्रों में भी सोलर प्लांट लगाने के टेंडर कर दिए गए हैं। फीड प्लांट में 550 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। हमने डेयरी में 600 किलोवाट का सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया है। इसमें विशेषता यह है कि ये रेस्को मॉडल में लगाया गया है। इसमें डेयरी का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, सारा पैसा कंपनी ने लगाया है। हमने केवल 25 साल का अनुबंध किया है। 25 साल तक इस प्लांट को चलाने की, इसको मेंटेन करने की सारी जिम्मेवारी उस कंपनी की है। हमें 3.95 रुपये प्रति यूनिट की दर से वो बिजली देगा। जो बिजली हमें बिजली बोर्ड से लगभग 8.5 रुपये प्रति यूनिट मिल रही है, वो हमें 3.95 रुपये पर मिलेगी। लगभग 5 रुपये प्रति यूनिट का बचत हमें हो रही है और 3000 यूनिट हमें उत्पादन हो रहा है आज, जिससे 15000 से 20000 रुपये प्रतिदिन की बचत हो रही है।